हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुन्ना पटेल और आपने लॉग इन किया है इजी वे। फ्रेंड्स, यहां पे आपको बहुत सारे एनिमेशन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। तो ऐसी वीडियो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को यहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पे बेल आइकन जो मिलेगा उस पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आप तक नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो थैंक यू सो मच एंड चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ब्लेंडर को नए नए चला रहे हैं या फिर इसमें आप कोई कैरेक्टर एडिटिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई अपनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाइए, कोई भी ब्लेंडर एडिटिंग कीजिए, यहाँ पे कुछ भी बनाइए, आप अपने फाइल को सेव कैसे रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप दोबारा चाहें तो वहीं से आप शुरू करें। फ्रेंड्स, मेरे पास फेसबुक पे मेरे पास ये सवाल आया था, जिन्होंने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था। इनका नाम है गोपाल कुमार सिन्हा जी। इन्होंने मुझसे बोला था कि हाय ब्रदर, आप वीडियो बनाइए जिसमें ये बताइए कि ब्लेंडर में कैरेक्टर को 3D मॉडलिंग को कहाँ रखते हैं। पहला सवाल का जवाब कि आप कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है ना, और ये भी बताइए कि उससे हम दोबारा यूज कहाँ से करते हैं। रिप्लाई जरूर देना भाई, गुड नाइट। सो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप अपने कोई भी फाइल को कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन में, अपनी पीसी पे। आप उसे कहीं भी ले जा करके आप उसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप फाइल हो वो सेव करेंगे, सेम टू सेम दूसरी पीसी में भी अगर ब्लेंडर है तो वहाँ पे खोलेंगे तो वैसा ही खुलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको इसी टॉपिक पे आपको बताने वाला हूँ काफ़ी सारी चीज़ें कि आप अपनी फाइल को सेव कैसे करते हैं और इसे नेक्स्ट टाइम यूज कैसे करते हैं, ठीक है जी। सो मैं आपको सबसे पहला आपका बताना चाहूँगा कि आप अपने कोई भी कैरेक्टर को ले लीजिए, ठीक है ना, ओके। सो यहाँ पे देखना कि मेरा ही कैरेक्टर है, मैंने इसे अभी सेव नहीं किया हुआ। अगर मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ सो ये गायब हो जाएगा, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि कोई भी अगर आप अनसीन अगर ऐसे ही आप कट कर देते हैं तो आप उसे कैसे वापस लाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपनी फाइल को सेव और सुरक्षित कैसे रखेंगे और कैसे उसे दोबारा यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी। तो मानिए ये मेरा कैरेक्टर कंप्लीट हो गया या फिर अधूरा है, मैंने आधे में बना के छोड़ दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि देन मैं अब स्लीप हो जाऊँ यानी सो जाऊँ, कल सुबह उठते हैं या जब भी चाहूँ मैं इसे यूज करूँ, एंड देन उसी टाइम से जब मैं आज अभी यहाँ पे सेव कर रहा हूँ सेम हुबहू वैसा ही खुले और फिर मैं वहाँ से अपना काम को स्टार्ट करूँ। सो उसके आपके लिए बहुत ही सिंपल है, मैं वीडियो बताना नहीं चाहता था लेकिन ये मुझे बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे सवाल आया, ठीक है ना। और काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं इसमें कि चलो यार आज बना लिया, इसे सेव करें कि क्या करें, देन ओवर जो भी हो, ओके जी। तो सबसे पहला आपको काम क्या होता है कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको सेव करने की आदत डाल लेनी चाहिए, ठीक है ना जी। इन केस अगर आप मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं आपका लाइट चली गई, सो आपका पीसी सडनली बंद हो जाएगा। अगर बैकअप के लिए बैटरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। या फिर किसी कारणवश आपने कट कर दी, सेव करना भूल गए, फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको एक आदत डालनी है, वो क्या है आपकी आदत, सेव करने की आदत, ठीक है ना। ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, कंट्रोल एस दबाने की सिर्फ आदत रहती है इसमें, ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहला काम आपको होता है कि मानिए मैंने यहाँ पे फाइल जनरेट कर लिया, ये मेरा काम पूरा हो गया या फिर अभी अधूरा है तो मैं चाहता हूँ कि इसे सेव करके रख दूँ। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे फाइल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है ना, ठीक है जी। और उसके नीचे जस्ट यहाँ पे सेव एज का, ये सेव देन सेव एज, ओके जी। लेकिन सेव और सेव एज में अंतर क्या है, ठीक है ना। सेव एज सबसे पहले हम यूज करते हैं, यानी आप अपने फाइल को, आप जो भी आपका फाइल है वो किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है ना, या फिर कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, ये सेव एज हम इसलिए यूज करते हैं, ठीक है ना, किसी लोकेशन को देने के लिए, ठीक है ना, या फिर किसी फॉर्मेट चेंज करने के लिए, ठीक है। और ये सेव का ऑप्शन होता है कि ये जैसा है जहाँ पे है, ठीक है ना। अभी मैंने एडिटिंग किया, जैसे मैं सेव करूंगा तो वो जा करके उसी पे अप्लाई हो जाएगा, यानी जो पहला सेव होगा वो हट जाएगा और दूसरा सेव यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला काम होता है कि हमें सेव एज का यूज़ करते हैं कि हम अपनी फाइल को कहाँ पे सेव करें। जैसे इन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं अपनी फाइल को कहाँ पे सेव करूँ और उसे दोबारा कैसे यूज करूँ, तो कहाँ पे सेव करने के लिए यहाँ पे आपको सेव एज पे क्लिक करना होता है, ठीक है जी।
अब सेव एज पे तो मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर बनाना बहुत ही अच्छा आदत है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ माई कैरेक्टर, ओके जी। सो देन ये हो गया माई कैरेक्टर। फिर से मैं अपना ब्लेंडर फाइल ओपन कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, ये मेरा रहा डेस्कटॉप, क्लिक किया, ये देखिए माई कैरेक्टर, ये माई कैरेक्टर मैं ओपन कर लूँगा। फिर आप देख सकते हैं आपका ये ब्लेंडर हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैरेक्टर वन, ओके जी। सो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे सेव एज ब्लेंडर फाइल कर दूंगा। ये लीजिए मेरा फाइल सेव हो गया। अब मैं काम क्या करूँगा कि यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ, ये लीजिए मेरा सेव हो गया। फ्रेंड्स जिस सिचुएशन में मैंने इसे सेव किया हुआ है, मैं यहाँ पे आता हूँ, जिस सिचुएशन में मैंने इसे सेव किया, बिल्कुल ऐसा हुआ खड़ा है ना, इसी सिचुएशन में वो सेव हो गया। चलिए मैं उसे ओपन करके दिखाता हूँ। इसको मैं काम क्या करता हूँ, जस्ट इसमें छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे। फिर से मैं इसी पे आता हूँ और इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, माई कैरेक्टर वन, ओके जी। लीजिए मेरा खुल गया। अब आप देख सकते हैं मैं इसे भी छोटा कर देता हूँ, चलिए गुड। और ये मेरा रहा दूसरा। आप देख सकते हैं ना जिस सिचुएशन में मैंने सेव किया था उस सिचुएशन में ये खुला हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि इससे इस सिचुएशन पे जाता हूँ, ओके जी गुड वन, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे कंट्रोल एस करूँगा या फिर यहाँ पे जाऊँगा सिर्फ सेव करूँगा। अब ये क्या होगा कि इसी फाइल पे, ये जो फाइल आप देख रहे हैं ना, इसी फाइल पे ये हट जाएगा और ये वाला पोजीशन अप्लाई हो जाएगा क्योंकि मैंने सिर्फ सेव का यूज़ किया है, ठीक है ना जी। चलिए मैं इसे यहाँ पे बंद करता हूँ, फिर से मैं इसे ओपन करता हूँ। देख रहे हैं ना जैसे मैंने अप्लाई किया ना, एक छोटा सा यहाँ पे ब्लेंडर फाइल बन के आया था, लेकिन ये बिल्कुल खुलने लायक नहीं रहता है। ये आपका पहला यहाँ पर खुल सकते हैं। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये आपका इस पोजीशन में सेव हो गया, ठीक है ना। देख रहे हैं ना बिल्कुल वैसा पोजीशन जैसा मैंने सेव के लिए यूज़ किया था। तो इस तरह का काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैं इसे अगर कुछ इस तरह से सेव कर दूँ, चलिए हाँ ऐसे मैं रोटेट करके सेव कर देता हूँ, ओके। मैं बैक कर लेता हूँ, ओके गाइस। अब मैं क्या करता हूँ कि फिर से मैं जाता हूँ और सेव पे अब नहीं करूँगा, अब सेव एज पे करूँगा, ठीक है ना। सेम वही है हमारा, डेस्कटॉप पे गया, कैरेक्टर नाम का फोल्डर है हमारे कैरेक्टर नाम का, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा कैरेक्टर टू टू, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसे कट कर देता हूँ, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना मैं इसे कट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कैरेक्टर टू नाम का फोल्डर आ गया, ठीक है ना। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। लीजिए ये मेरा दूसरा फोल्डर हो गया, ठीक है ना, ब्लेंडर का फाइल। देन आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो फ्रेंड्स जब भी आप कोई एडिटिंग करते हो तो प्लीज़ सेव करने की आदत ज़रूर डाल लें, ठीक है ना जी। ये हमारा हो गया सेव करने का तरीका, ठीक है ना। या फिर कुछ भी आप एडिटिंग करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेव कर लो। आप सेव करने के बाद पीसी बंद करो, नेक्स्ट टाइम आपको बस जाना है अपने फोल्डर को ओपन करनी है। ओपन करने के बाद जो भी आपने सेव किया है नाम से उसे डबल क्लिक करो, ओपन करो, फिर से वहाँ से काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका तो बेस्ट तरीका आपको सेव करने का। आप कोई भी काम कीजिए, बस करते रहिए हो गया। कंट्रोल एस मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कंट्रोल एस क्लिक करेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा, इसी पे अप्लाई करना है आपको। तो अगर हाँ तो जस्ट क्लिक कर दीजिए, लीजिए फिर अप्लाई हो गया, ये पोजीशन लेना है मुझे, ठीक है ना। कंट्रोल एस किया मैंने, लीजिए सेव हो गया। अगर इसी पोजीशन पे बाय डिफॉल्ट कंट्रोल एस करूँ, देखिए यहाँ पे आ गया। बस सेव करते जाइए और अपने काम को आसान बनाते जाइए। और आप कभी भी किसी कारणवश भूल जाते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे अपने फाइल को बैकअप लाएंगे, अगर आज मैंने बनाते बनाते सडनली यहाँ पे कट कर दिया, लो मैं तो भूल ही गया सेव करना, देन मैं इसे कैसे वापस लाऊंगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सेव कीजिए, यूज़ कीजिए एनी टाइम एनी वेयर ऑन एनी डिवाइस, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। Wow.
Yeah.